Hello, bhai. Hello. Hello. Dialysis unit under EMNDP, Jan Hospital Halo, inaugurated by Sri Kento Jini, HMLA, Advisor to Law and Justice, Parliamentary Affairs, in presence of Sri Pranga Tato, Deputy Commissioner, and Dr. Subham Bhadra, District Medical Officer, Western District Halo, on 26 January 2032. It's my pleasure and honor to welcome our Honorable MLAKAM, Advisor to Government of Arunachal Pradesh on Law, Justice and Parliamentary Affairs, Kento Jini sir. I also welcome our respected DC sir, DMO sir, all the officers and dignitaries accompanying him, and the other present. So, really it's a very pleasure moment for us to have you amidst us. So with these few words, I request our DMO sir to give a keynote address. Sir, please. Sri Kento Jini, Madam MLA, and respected DC sir, Honorable JPC, all the honorable Jilla Parishad members, my doctor colleagues, and all the HODs and other important public leaders and senior citizens and my staff. आज एक्चुअली ये जो अभी जो हम लोग जो इनोग्रेट किया है HMLA जो इनोग्रेट किया है ये डायलिसिस 3 यूनिट है अरुणाचल में सिर्फ चार जगह अभी यूनिट ये हुआ है ईटानगर पासीघाट एंड तेजू जीरो ये अभी आज का दिन में आगे दो पासीघाट एंड ट्रीम्स था अभी यहाँ में एक्सटेंड किया है हमारा MLA भी बहुत जोर लगाया है एंड देन दूसरा जो MLA जो जोर लगाया उन लोग को मिल गया तो अभी अनदर हम लोग अभी 3 यूनिट है 3 हम लोग का पासीघाट में ईटानगर में काफ़ी लोग डायलिसिस ट्रीटमेंट ले रहा है तो अभी मेरा यहाँ हम लोग का अपना यहाँ आ गया तो टेक्नीशियन भी आ गया UPS एक UPS नहीं आने का कारण से आज से शुरू नहीं हो पाया वो आज शाम तक पहुंच जाएंगे विद इन 2-3 डेज में हम लोग फुली तैयार कर देगा उसके बाद ये यहाँ चालू होगा अराउंड 15-20 आदमी को ही दे पाएगा शायद हम लोग का यहाँ का वेस्ट बैंक का काफ़ी ज़्यादा बाहर में अभी डायलिसिस ले रहा है तो इसको और आगे ले जाने के लिए अभी मैं हम लोग का ऑनरेबल को फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अनदर 2-3 मोर ऐसे ला सकने से अच्छा रहेगा तो हम इसका साथ हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे अभी 26 जनवरी में अभी जाना है चाय भी थोड़ा पीना है इसलिए वंस अगेन थैंक यू ऑनरेबल MLA सर DC सर एंड ऑल द पब्लिक लीडर्स दोज हु हैव अटेंडेड हियर हम लोग का अभी बिल्डिंग यहाँ पे ये अभी जहाँ बेहतर यह भी बिल्डिंग जल्दी शुरू होने वाला है मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विंग और अंदर का भी शुरू होने वाला है यहाँ भी अभी ड्रग हाउस भी बनने जा रहा है तो दी डेवलपमेंट्स आर गोइंग ऑन अभी आज का जो है स्पेशली ये प्राइम मिनिस्टर का तरफ से दिया गया वाला है हम लोग इसमें शायद फ्री होना चाहिए थोड़ा मोरा जस्ट नॉमिनल फी जो हो सकता है 100-200 वो भी हम लोग देख लेंगे लेकिन हम लोग अभी फ्री में ही चलाएगा विद दिस फी वर्ड थैंक यू ऑल ऑनरेबल MLA सर टू कम ओवर हियर एंड से फ्यू वर्ड्स टू द गैदरिंग थैंक्स गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल सिटिंग हियर रेस्पेक्टेड Deputy Commissioner Pranga Tato Ji, DMO Dr. Dubom Bhadra Ji, JPC, Pamum Romin Ji, all JPMs,
SOTs, officers and senior citizens coming here today. First of all, I would like to wish a happy Republic Day to all sitting here. As in fact, it's very happy moment for me. ये कैसे शुरुआत हुआ था मैं आप लोगों को भी थोड़ा बताता हूँ. लास्ट ईयर अराउंड 35% केम टू माई रेसिडेंस एट नाहरलगुन. रिप्रेजेंटेशन लेके आया हुआ था. ये लोग बोल रहा था कि हम लोग को डायलिसिस यूनिट जैसे भी आलो में एटलीस्ट एक दो नहीं हो सकने से भी एक इंस्टॉल कराने से अच्छा है. पासीघाट में हो गया, दूसरा जगह में हो गया, आर के मिशन में है. तो हम बोला है ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप लोग सबमिट करो. तो उसमें ऑलमोस्ट 35 जैसे आलो एरिया का, वेस्ट सियांग का जो किडनी फेलियर, जो रेनियल मेडिकल टर्म में रेनियल फेलियर बोलता है, जो रेनियल फेलियर लोग आया था. तो रिप्रेजेंटेशन को हम लेके गवर्नमेंट लेवल में ऑलमोस्ट आज एक साल शायद हो गया हम दौड़ दौड़ के. तो फाइनली आज हम इनोग्रेट कर रहा है. तो ये जो है 3 यूनिट इंस्टॉल किया गया आज. तो ये हम पब्लिक के लिए, स्पेशली गरीब लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा. कारण डायलिसिस यूनिट नहीं होने का वजह से हमारा पब्लिक पासीघाट में बेहतर रहा है कि एटलीस्ट किडनी ट्रांसप्लांट नहीं कर पाने से भी डायलिसिस यूनिट डायलिसिस कर करके हम एटलीस्ट 5-6 ईयर्स तक जीने वाला होता है. देखा है मेरे आंखों से भी. तो ये अभी घर में बैठ के हमारा गरीब लोग अपना घर में बैठ के डायलिसिस आलो में करेंगे, वो बहुत इससे और बड़ा खुशी का आलोवासी के लिए क्या हो सकता है. तो हम भी स्पेशली डॉक्टर डुबोम बागरा, डीएमओ सर और डीसी सर, आप दोनों को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. आप दोनों भी बहुत मेहनत किया इसको लाने के लिए. ये पहले लाना था लेकिन कुछ टेक्निकल पोर्ट रीजन से जल्दी इंस्टॉल नहीं कर पाया. जो भी हो, ये डीएमओ सर अभी बताया है कि विद इन 5 डेज का अंदर करेंगे. तो मैं डॉक्टर सब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, यू बीइंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, आप दिल से काम कीजिए. और मैं जब भी आता हूँ या अपील करता हूँ, टाइम आप लोग जैसे अच्छा से निभाइए और टाइम एटलीस्ट मेंटेन कीजिए. और अपना प्रैक्टिस प्राइवेट क्लिनिक में करना है तो भी आप लोग का ऑफिशियल आवर का बात कीजिए. तो हम लोग पब्लिक भी उसको जानते हैं. तो मैं अपील भी कर रहा हूँ कि पब्लिक को प्राइवेट प्रैक्टिस को आप लोग स्टॉप मत कीजिए. लेट देम डू द ओन प्राइवेट प्रैक्टिस बट नॉट एट ऑफिस आवर. और ऑफिस आवर जितना एलोकेट किया है उसको आप लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए. और डीएमओ साहब से भी और डीसी साहब से भी मैं लगातार अपील करते रहा हूँ कि ये लोग को माने टाइम टेबल मेंटेन कराइए. और आप लोग भी अपना एरिया में है सब ऑलमोस्ट, तो आप लोग हमारा गरीब जनता को अच्छे से सेवा कीजिए. और सेवा करने से आप लोग को उल्टा पुल्टा कोई भी नहीं बोलेगा. और आलो का पब्लिक भी जान गया है कि डॉक्टर का इम्पोर्टेंस को. आप लोग तो नेक्स्ट गॉड है. तो इसीलिए अच्छा से सेवा कीजिए. और वंस अगेन आज तो देयर ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई डोंट वांट टू टेक मच टाइम बिकॉज वी हैव टू लीव फॉर अ ग्राउंड. नौ बजे से प्ले होस्टिंग होंगे. फिर भी आज आया है इसीलिए मैं भी रात को ही पहुंच गया था कि ये आज हमारा आलोभाषी के लिए सबसे खुशी दिन होगा. क्योंकि स्पेशली हेल्थ इशू को, हेल्थ सेक्टर में. और अभी नेक्स्ट में हमारा सीटी स्कैन भी होने वाला है. सीटी स्कैन का भी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है. सीटी स्कैन टेंडर्ड हो गया है. तो सीटी स्कैन आ गया, अभी ये डायलिसिस यूनिट आ गया. और हमारा बिल्डिंग, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए भी एडवर्टाइजमेंट हो के शायद काम अभी भी जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे. तो इन्हें होने से हमारा आलोवासी के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम पार्टनर पासीघाट रेफरल के लिए जाना ना पड़े. और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला को तो हम जाना ही है बाहर, पासीघाट नहीं जाके डायरेक्ट गुवाहाटी या डिब्रुगढ़ जाने के लिए करना है. छोटा मोटा चीज को यह है, पासीघाट भी जनरल स्टेटस है, आलो भी जनरल स्टेटस है. सेम स्टेटस का हॉस्पिटल हो के हम लोग पासीघाट में क्यों रेफर करेगा.
तो इसीलिए यहाँ जो भी ट्रीटमेंट आप लोग डॉक्टर लोगों को भी मैं अपील करता हूँ कि यहाँ ही कंप्लीट करिए। अगर नहीं होता है तो पार्टर कॉम्प्लिकेटेड वाला को पार्टर ट्रीटमेंट के लिए गुवाहाटी या ट्रिम्स भेजने से अलग बात है। तो इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए वंस अगेन डीएमओ सर एंड डीसी सर फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर ओपनिंग दिस डायलिसिस यूनिट, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी रिपब्लिक डे। रेस्पेक्टेड आवर एमएलए सर, डीसी सर, डीएमओ सर, जेटपीसी एंड ऑल द जेटफीएम्स एंड ऑल द एचओडी एंड माय डॉक्टर कॉलिग, आज के इस शुभ अवसर पर हमारा डायलिसिस के इनोग्रेशन के मौके पर सर को डिस्पाइट बीइंग वेरी वेरी शेड्यूल यहाँ पे आने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा डीसी साहब से भी मैं यहाँ पे आज रिपब्लिक डे में हमारे साथ रिपब्लिक डे प्लस इनोग्रेशन को शेयरिंग करने के लिए मैं डीसी साहब से भी मैं थैंक यू। एंड जितना भी यहाँ पे है सबको आज का इनोग्रेशन को सक्सेसफुल कराने के लिए या आप लोग अपना टाइम देने के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच।